Hello and welcome to our channel My Time My Teacher. In this video we will talk about class 12 sociology, 6 chapters of first book, challenges of cultural diversity. ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं तो इसलिए इस वीडियो का टाइटल होगा सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां. सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां क्या होती हैं इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वो भी हिंदी में, तो ध्यान से देखना, जरूर सुनना. उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ और प्रिंटेड मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजी बाय नरेश चौधरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 6 चैप्टर सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां. इस चैप्टर में मैं इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने वाला हूं. और जो पॉइंट्स हमारे हैं, सबसे पहला है सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र राज्य, दूसरा है जब विजेता क्षमा याचना करते हैं, तीसरा समुदाय राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य, सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र, क्षेत्रवाद, धर्म से संबंधित मुद्दे, और साथ ही मैं बात करूंगा राज्य एवं नागरिक समाज की. तो ये सारे वो पॉइंट हैं जिनको मैं इसमें लेना चाहूंगा इस वीडियो में, मैं आप सबको बताऊंगा. तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है हमारा सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र राज्य. देखिए, जब भी किसी राज्य में, जब भी किसी राष्ट्र में कई सारी संस्कृतियां होती हैं, कई सारे समुदाय रहते हैं, तो उस राष्ट्र के लिए वो चीज बहुत डिफिकल्ट बन जाती है. क्योंकि अगर हम दोनों दो राष्ट्रों की तुलना करते हैं, एक राष्ट्र वो है जिसमें सिर्फ एक समुदाय रहता है, दूसरा राष्ट्र वो है जिसमें बहुत सारे समुदाय रहते हैं. एक राष्ट्र वो है जिसमें एक संस्कृति वाले लोग रहते हैं, दूसरा राष्ट्र वो है जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां रहती हैं. तो किसी भी उस राष्ट्र को चलाना जिसमें एक समुदाय है, एक संस्कृति है, बहुत आसान हो जाता है. अगर हम उसकी उस तुलना उस राज्य से करें, उस राष्ट्र से करें जिसमें बहुत ज्यादा संस्कृतियां हैं, बहुत ज्यादा आपके समुदाय हैं, तो वो मुश्किल होता है. सेम हमारे इंडिया के साथ होता है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, और गजब की बात यह है कि इतनी संस्कृतियां होने के बावजूद भी हमारा राज्य आराम से चल रहा है, हमारा राष्ट्र आराम से चल रहा है. हम उन राष्ट्रों को देखें जिन्होंने के एक राष्ट्र को, एक संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया, तो वो इतना आराम से नहीं जी पा रहे हैं जितने हम अपने भारत देश में जी रहे हैं. किसी भी राज्य के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी संस्कृति के हों, सबको बराबर सम्मान दिया जाता है. ये होता है हमारा सांस्कृतिक समुदाय, एक ऐसा समुदाय जिसमें किसी एक संस्कृति को फॉलो किया जाता है, और जिस समुदाय में उस संस्कृति को फॉलो किया जाता है उसको कहते हैं सांस्कृतिक समुदाय. हमारे पास कितने समुदाय हैं? हमारे पास बहुत सारे सांस्कृतिक समुदाय हैं जो इंडिया में रहते हैं. ऐसे ही उन सब समुदायों को मिला के हमारा बनता है राष्ट्र, और उस राष्ट्र में हम सब रहते हैं. राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य क्या है? ऐसा राष्ट्र जिसमें अलग अलग छोटे छोटे राज्य भी हैं, छोटे छोटे समुदाय भी हैं, लेकिन सबको जब हम इकट्ठा करते हैं तो बनता है एक राष्ट्र, राइट? इसे कहते हैं राष्ट्र राज्य. और सांस्कृतिक समुदाय मैंने आपको भी बताया, फिर से एक बार बता देता हूं कि वो समुदाय जिसमें एक संस्कृति को फॉलो किया जाता है, एक संस्कृति को माना जाता है, उसको कहते हैं सांस्कृतिक समुदाय. हमारे यहां पे सांस्कृतिक समुदाय तीन तरह से बेसिकली आते हैं. एक सबसे पहला होता है हमारा संस्कृति के आधार पर, दूसरा हमारा होता है क्षेत्र के आधार पर, तीसरा हमारा होता है धर्म के आधार पर, ठीक है? इन तीनों चीजों के बेस पे हम समुदाय का डिफरेंशिएशन करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं कि कौन सा समुदाय कैसा है. अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें तो हम अपने समाज को, हम अपने राष्ट्र को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके रखते हैं. अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित क्यों किया है? क्योंकि हर उस क्षेत्र की संस्कृति अलग अलग है. हमने लिमिट बना दी, इस समुदाय का, इस संस्कृति का क्षेत्र ये हो गया, इसका ये हो गया, उसका ये हो गया.
तो लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो एक क्षेत्र से आते हैं, जो एक समुदाय से आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपस में वी फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं उनमें आपस में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, कहीं ना कहीं उनमें आपस में ज्यादा मेलजोल होता है, ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा भाईचारा होता है। अगर हम उसकी तुलना दूसरे क्षेत्र से करें तो वो इंसान अपने क्षेत्र वाले बंदे को, अपने क्षेत्र वाले इंसान को ज्यादा पहले प्रेफरेंस देगा, पहले वरीयता देगा, न कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को। ऐसे ही सांप्रदायिकता की अगर हम बात करें तो सांप्रदायिकता में भी हमें यही देखने को मिलता है। सांप्रदायिकता मतलब अलग अलग धर्म के लोग। तो हर इंसान कोशिश करता है पहले अपने धर्म वाले लोगों को वरीयता देने की, न कि दूसरे धर्म वाले लोगों को। तो यह भी एक संस्कृति हो जाती है कि अगर हम पहले अपने धर्म वाले लोगों को चाहते हैं, दूसरा भी पहले अपने धर्म वाले लोगों को चाहता है, और तीसरा इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा होता है हमारी जाति, हमारी कास्ट, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के ऊपर चलती है। तो कास्ट को हम भूल नहीं सकते, कास्ट को हमें जिंदा रखना ही पड़ेगा जब तक हम हैं, जब तक हमारा देश है और जब तक ऐसे पॉलिटिशियंस हैं। कोई चाहता ही नहीं कास्ट को मिटाना। तो जातिवाद की जहां बात आती है तो जातिवाद भी हमारा कहीं संस्कृति को अफेक्ट करता है, उसको असर डालता है उस पर। और जातिवाद में भी लोग अपनी जाति के लोगों को पहले प्रेफर करते हैं, न कि दूसरी जाति के लोगों को। ये तीन चीजें हमें मिला के सिखाती हैं कि कैसे संस्कृति हमारी अलग अलग होती है। लेकिन इन तीनों चीजों के बावजूद जब कभी देश की बात आती है तो हम अपनी आपस की संस्कृतियों को भुला के, आपस का क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, इन सब चीजों को भुला के हम एक चीज पे फोकस करते हैं, वो है हमारा देश। जब कभी भी हम दूसरे दुश्मनों से लड़ते हैं, अपने देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ते हैं। कोई अलग संस्कृति नहीं रह जाती, कोई क्षेत्रवाद नहीं रह जाता। एक मोटिव होता है, एक लक्ष्य होता है, दुश्मन को हराना, किसी भी तरह से दुश्मन को हराना, जो हमें हमारा काम है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं अगली हेडिंग पे, तो हम देखते हैं जब विजेता क्षमा याचना करते हैं। तो बच्चों ऐसे बहुत कम होता है जबकि जो विजेता लोग हैं वो क्षमा याचना करते हैं। विजेता जो जीतता है किसी भी चीज में, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन में हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड आता है और उस घमंड में वो किसी से क्षमा नहीं मांगना चाहता। स्पेशली जब हम युद्ध की बात करें तो जिसने दुश्मन को हराया है वो तो अपने सामने किसी को समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने सामने किसी को नहीं समझेगा तो बड़ी मुश्किल होगी उन लोगों को जीने में जो युद्ध हारते हैं। लेकिन हमने दो जगह ऐसा देखा, इतिहास गवाह है, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में आपको जानकारी होगी, अमेरिका में दोनों तरह के लोग रहते हैं, गोरे लोग भी रहते हैं, काले लोग भी रहते हैं, श्वेत भी रहते हैं, अश्वेत भी रहते हैं। लेकिन जब श्वेत लोग हमेशा से अमेरिका का शासन करते रहे हैं, अश्वेत लोगों को वहां पर लाया गया था सिर्फ स्लेव्स के लिए, गुलाम के तरीके से काम करवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की सरकार को रियलाइज हुआ, उनको पता चला कि हम इन इंसानों के साथ गलत कर रहे हैं, यह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो डोमिनेंट लोग थे, श्वेत लोग। तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्षमा याचना की, माफी मांगी उन श्वेत लोगों से जिनको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा था उनके कृत्यों के द्वारा, उनके कर्मों के द्वारा। तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे द्वारा इनको नुकसान हो रहा है, इन परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो उनसे माफी मांगी जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको सरकार का यह कदम स्वीकार नहीं था कि सरकार क्यों माफी मांगे, उन लोगों से क्यों माफी मांगे जो हमारे गुलाम हैं। लेकिन कम से कम वो भी तो इंसान हैं, और हमने अगर इंसान के रूप में किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांगनी चाहिए। ऐसा ही एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में भी जो ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं, बेसिकली वो लोग ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, उनको दूसरी दूसरी जगहों से लाके ऑस्ट्रेलिया में रखा गया था एज अ प्रिजनर, जेली कैदी की तरह। कभी इस देश से जहां पे ब्रिटिश लोग राज करते थे वहीं से वो जो क्रिमिनल्स होते थे उनको उठा के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था, क्योंकि वो एक आइलैंड था, वहां से बाहर निकलना मुश्किल था। उनकी मेंटेलिटी थी कि इन क्रिमिनल्स को हम एक जगह रखेंगे तो हम बाकी सोसाइटी को बचा पाएंगे।
वहां पे बहुत सारे क्रिमिनल जगह से इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। फिर वहां पे अंग्रेज पहुंचे और अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति पे, जो भी उन्होंने इकट्ठा किया था, जो भी आइलैंड था, उस सब पे कब्जा कर लिया और वहां पे रूलिंग करना शुरू कर दिया। कई दशकों बाद उनको याद आया, ये तो हमारा था ही नहीं, ये तो इन लोगों का था जो अलग अलग देशों से आए हैं, हमने इस पे ऐसे ही शासन कर लिया। तो जब उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने माफी मांगी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, हम आपके कसूरवार हैं क्योंकि हमने आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब किया, ये सब कुछ बनाया हुआ आपका है, हमारा कुछ नहीं है, इन फिर भी हमने इस पे आके शासन किया, तो ये हमारी गलती है, हम आपसे माफी चाहते हैं और हमें माफ कर दीजिए। यहां पे भी वही हुआ जो अमेरिका में हुआ कि लोगों ने सरकार के माफीनामा पे सवाल उठाए कि सरकार कैसे माफी मांग सकती है उन लोगों से जिनका कोई रोल ही नहीं है। बात करते हैं तीसरे की, समुदाय राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य। समुदाय राष्ट्र क्या होता है? समुदाय होता है कोई भी कम्युनिटी। जब एक एक कम्युनिटी इकट्ठी होती है तो समुदाय राष्ट्र बनता है और उसके बाद बनता है हमारा राष्ट्र राज्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो आप सब लोग जानते हैं, डिवीजन ऑफ इंडिया। जब भारत में विभाजन हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो वहां पर एक मेन मोटिव था कि मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में जाएं, हिंदू हैं हिंदुस्तान में रहें। ये मेन पॉइंट था डिवीजन का जिसके ऊपर विभाजन हुआ। दो पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला बोली जाती थी, पश्चिमी बांग्ला पाकिस्तान में आपके पंजाबी और उर्दू बोली जाती थी। देखो तो अलग अलग समुदाय, एक बांग्ला समुदाय जहां पे सब कुछ बांग्ला था, सब कुछ कल्चर संस्कृति सब बांग्ला थी। दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जहां पे उर्दू और पंजाबी को महत्व दिया जाता था। तो पश्चिम बांग्लादेश में क्योंकि सरकार चलती थी, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि भाई बांग्ला को तो कोई महत्व ही नहीं देना चाहिए, हम तो महत्व सिर्फ किसको देंगे, पंजाबी को देंगे, उर्दू को देंगे। तो जब पूर्वी पाकिस्तान वालों ने कई साल देखा, 25-26 साल तक उन्होंने देखा कि भाई हमें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, न हमारी संस्कृति को न हमारी भाषा को, तो उन्होंने लड़ाई शुरू की कि हमें तो अपना अलग राज्य चाहिए। और उस लड़ाई में फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश चाहे वो कोई भी कम्युनिटी रहे, वहां पे कोई भी धर्म रहे, लेकिन उनका जो कल्चर है वो बांग्ला है, उनकी जो लैंग्वेज है वो बांग्ला है। पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। इसी टाइप की कहीं ना कहीं झगड़ा शुरू हुआ श्रीलंका में, जब वहां पे तमिल जो लैंग्वेज है, तमिल को नहीं दिखाया गया, सिन्हारा एक लैंग्वेज है और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो वहां पे भी जो शिक्षाविद हैं, जो समझदार लोग, उन्होंने बोला एक देश में दो भाषाएं रखना ज्यादा उचित है, न कि दो देश बनाना और एक भाषा रखना। अगर आप एक भाषा रखेंगे, सिन्हारा रखोगे, तो आपको दो देश करने पड़ेंगे, श्रीलंका का विभाजन करना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है कि आप दो भाषाएं रख लो, तो आपका कम से कम देश बच जाएगा, एक ही देश रहेगा आपका श्रीलंका, जो कि अल्टीमेटली हुआ। अदरवाइज जो तमिल लोग थे, जो तमिल को फॉलो करते थे, जो तमिल बोलते थे, तेलुगु बोलते थे, वो लोग कई सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, खूनी संघर्ष भी किया लड़ने के लिए कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, आप हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, न हमारी लैंग्वेज को न हमारी कल्चर को। तो ये एक स्टार्टिंग होती है, जहां से स्टार्टिंग होती है आपके झगड़े की, आपके आंदोलन की, क्योंकि आपके समुदाय को, आपकी भाषा को जब महत्व नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है। यही है यहां पे समुदाय राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य। धीरे धीरे वो इसको आगे लेके जाते हैं और अलग से नए राष्ट्र की स्थापना होती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र। अब सिर्फ अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कितनी संस्कृतियां हैं? बहुत सारी संस्कृतियां हैं। अब हर 100 किलोमीटर पे जाइए, आपको अलग संस्कृति मिलेगी, अलग भाषा मिलेगी, अलग खाना पीना मिलेगा, अगर लैंग्वेज मिलेगी, अलग कपड़े मिलेंगे, अलग ड्रेसिंग मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहां बहुत सारी संस्कृतियां हैं जो एक साथ रहती हैं। सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि भारत सरकार, भारत राष्ट्र एक है। उन सब चीजों को, उन संस्कृतियों को अलग अलग होते हुए भी यहां पे कोई अंतर नहीं है, सब लोग एक साथ रहते हैं, सबको इज्जत दी जाती है। इसके आगे जब हम चले तो हम देखते हैं क्षेत्रवाद।
क्षेत्रवाद क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि क्षेत्रवाद होता है जहां छोटे छोटे क्षेत्र के लोग ध्यान रखते हैं अपने आप का और प्रेफर करते हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को ही सारे फायदे दिए जाएं जो उनके हाथ में है, न कि किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों को। सबसे पहले प्रेफरेंस अपने क्षेत्र के लोगों को दी जाएगी, फिर दूसरे लोगों को। जैसे कि आप देखो अभी 2000 में जब तीन राज्य बने थे, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो उनका बेस क्या था? छत्तीसगढ़ वहां पे अलग आदिवासी लोगों को बना दिया गया, झारखंड में अलग आदिवासी लोगों को बना दिया गया, उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश का प्लेन एरिया है उसको अलग रखा गया, साथ में जो पहाड़ी एरिया है उस सारे पहाड़ी एरिया को काट के एक उत्तरांचल बना दिया गया। हमने क्षेत्रवाइज डिवाइड किया, हमने उस राज्य को क्षेत्र के बेस पे डिवाइड किया कि भाई आप ऐसे रहोगे, आप ऐसे रहोगे, आप ऐसे रहोगे, और उसी के अकॉर्डिंग उनको अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अगर हम उसको मिक्सिंग करते हैं, उस हिसाब से नहीं करते, तो परेशानी हो सकती थी आगे चल के। अब आसानी हो गया, उनकी एक कल्चर है, एक संस्कृति है, एक समुदाय है, तो आराम से रह रहे हैं। ये ध्यान रखा जाता है जब कभी भी हम डिवीजन की बात करते हैं कि समुदाय विशेष को न छेड़ा जाए। हम कोशिश करेंगे एक पूरे समुदाय को एक साथ रखें ताकि वो लोग भी आराम से रह पाए, आगे किसी को भी परेशानी ना हो। अगला है हमारा धर्म से संबंधित मुद्दे। जो मुद्दे धर्म से संबंधित होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। क्यों नाजुक होते हैं? क्योंकि हर इंसान अपने धर्म को बहुत प्यार करता है, चाहे वो किसी धर्म का हो। तो धर्म से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए हमारे संविधान में पहले से ही प्रावधान किया गया है। किस चीज का प्रावधान किया गया है? धर्म निरपेक्षता का। हर धर्म वाला इंसान अपने धर्म पे विश्वास करता है और कट्टर विश्वास करता है। धार्मिक लोग सिर्फ ये सिखाते हैं कि उनका अपना धर्म अच्छा है और धर्म झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सब ऐसा ही सोचेंगे कि हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं झगड़े की स्थिति पैदा होगी, और जब झगड़े की स्थिति पैदा होगी तो मुश्किल हो जाएगा सरकार चला पाना, देश चला पाना। इसीलिए संविधान में पहले ही प्रावधान कर दिया गया है धर्म निरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का, कि हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है, यहां पे किसी भी धर्म को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती। इज्जत का मतलब सबको बराबर दी जाती है इज्जत, सबके बराबर राइट्स हैं, किसी को खास नहीं दिया जाता। ये धर्म है जी, इसको तो सब मान्य है, बाद में और धर्म छोटे हैं। संविधान में बिल्कुल साफ लिखा है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर किसी भी धार्मिक अनुयायी के साथ, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये जो इक्वलिटी मिलती है, जो समानता धर्मों को मिलती है संविधान के द्वारा, ये हमारे देश को मजबूत बनाती है। क्योंकि सबको पता है कि जब हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, जब हमें धार्मिक समानता है, तो जितना अधिकार मेरा है उतना आपका भी है, जितना आपका है उतना मेरा भी है। इससे फायदा क्या होता है कि हम सिर ऊंचा करके जी सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी धर्म को नीचा समझेंगे तो वो लोग कैसे जिएंगे? कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसका फायदा हमें अपने संविधान से मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं राज्य एवं नागरिक समाज। राज्य हमारे राष्ट्र जो होते हैं, राष्ट्र अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी का भी रोल होता है। सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे सरकार का कोई मतलब नहीं होता, जिससे कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं होता, कोई भी सरकार का अफसर नहीं होता, वो सिर्फ सिविल लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वही अपने समाज का ध्यान रखते हैं और जरूरत पड़ती है तो सरकार की मदद लेते हैं। क्यों जरूरत पड़ी हमें नागरिक समाज की? नागरिक समाज की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार जब लोग सरकार पे सवाल उठाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको शांत करना, उनको जवाब देना। इसीलिए जो सिविल सोसाइटीज है, जो नागरिक समाज है, वो खुद उन सब चीजों का ध्यान रखता है कि सरकार क्या करा रही है, क्या नहीं करा रही है, क्या अच्छा करा रही है, क्या अच्छा नहीं करा रही है। इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए हमें नागरिक समाज की जरूरत है।
जो सिविल सोसाइटी है वो इसमें अच्छा काम करती है, सरकार को मजबूती मिलती है, समाज को मजबूती मिलती है और सबको एक समानता मिलती है। तो दोस्तों बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, सांप्रदायिक विविधता की चुनौतियां। ये चुनौतियां जो हैं, चाहे उस क्षेत्र पे हो, चाहे भाषा पे हो, चाहे संस्कृति पे हो, ये चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत गंभीर होती हैं, लेकिन उनको सबको एक साथ लेके चलना एक बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती अब तक भारत सरकार ने भरपूर तरीके से निभाई है। भारत में किसी भी संप्रदाय को, किसी भी क्षेत्रवाद को, किसी भी जाति को ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। यही कारण है कि हम आज तक आराम से इकट्ठे बने हुए हैं और अपनी जिंदगी चैनपूर्वक जी रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।